दुमका में चल रहे कोयले और बालू के अवैध कारोबार और गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी अब आंदोलन के मूड में है। आज पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अवैध कारोबार व गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। बीजेपी ने दो टुक में कहा है कि अगर दुमका जिले में अवैध गतिविधियों, खनिज संपदा एवं शराब व नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और गिरती विधि व्यवस्था पर जल्द नकेल नहीं कसा गया तो पार्टी एक सप्ताह के बाद आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि दुमका अवैध गतिविधियों के लिए सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है और इस पर रोक लगाने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। इस जिले में धड़ल्ले से किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है और राजस्व की लूट का छूट किस तरह से दिया गया है, राज्यों के बाहर, जिला के बाहर, इस राज्य के बाहर अन्य राज्यों में यहाँ का खनिज संपदा जा रहा है। दुमका जिला की बात हम करें तो दुमका जिला में जिस तरह से एक बिना नंबर का गाड़ी जगह जगह पर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर हथियार से लैस लोग उसमें रहते हैं, दहशत फैलाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक हम लोगों ने रणनीति बनाया है। आने वाला समय में हम लोग सत्याग्रह के रूप में बैठेंगे वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने यह आह्वान कर दिया है। तो ये सारे चीज़ों का सूचना विधिवत प्रशासन को चला जाए, इसीलिए आज हम लोग प्रशासन के पास आए हैं। अभी उपायुक्त से हम सभी लोगों की भेंट हुई है, उनको मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है और मौखिक भी चर्चा हुई है। वैसे तो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम भरसक प्रयास करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है ये सारे चीज़ों को जांच करते हुए और उसमें सुधार लाया जाए, प्रशासन के माध्यम से लाएंगे, ऐसा आश्वस्त हम लोगों को कराया गया है।